यहाँ पे दूसरे मुल्कों से भी स्पेयर पार्ट्स के कंटेनर मंगवाए जाते हैं, जो वन बाय वन जो रिक्वायर होता है कस्टमर को सेल किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, सिर्फ एक ही नहीं गली, ये इसके साथ ही तीन चार गलियाँ और भी हैं, इसी तरह वर्कशॉप पे वर्कशॉप बनी हुई है। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। पूरी गाड़ी का स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, इंजन निकाल के सारी सारी गाड़ी गाड़ी का बोनट, गाड़ी का बैक साइड जो आप दिलवाना चाह रहे हो ये सारा इसी मार्केट में अवेलेबल होता है। इतनी बड़ी और मुनासिब मार्केट है कि यूएई की बाकी स्टेटों से लोग इधर से अपनी गाड़ियां तैयार करवाने आते हैं, स्पेयर पार्ट्स लेने आते हैं, और अक्सर ओमानी नंबर प्लेट की गाड़ियां भी मैंने देखी हैं। यानी कि ओमान के लोग और दूसरी कंट्रियों के साथ साथ जो गल्फ कंट्री हैं उनके लोग भी आते हैं यहाँ से, जो गाड़ियाँ अपनी तैयार करवाते हैं इधर से। पूरी की पूरी गाड़ी आपको हर स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। ये सारी खोल के रखी हुई है, ये सारा फ्रंट की साइड है सो गाड़ियों की, अगर डैमेज हो जाती है सारी की सारी आप डलवा सकते हैं इसे। ये 23 मॉडल है और ये 24 मॉडल है। ये एक्सीडेंट हुआ है, ये देखें नए मॉडल की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुए हैं। ये देखें पूरा उसका डोर डैमेज हुआ है, तो इधर ये सारा तैयार करते हैं। तो भाई कितना सीवियर एक्सीडेंट है इस गाड़ी का, और इसका भी कितनी बुरी तरह डैमेज हुई है। ये इनके पास इसी तरह सारी डेंटिंग पेंडिंग और अपडेट होने के लिए है। तो ये तो बिल्कुल नया मॉडल है, तो क्या इसका हशर हुआ है। ये देखो इस तरह इन्होंने छत सेल की हुई है इसकी, तो कोई कस्टमर आता है बोनट मांगता है वो सेल कर देते हैं, कोई उनको रिक्वायर चीज़ मांगते हैं वो सेल कर देते हैं, इसी तरह ये अकेली अकेली जो इसके पार्ट्स हैं वो इस तरह सेल करते हैं। तो इस तरह अक्सर जो गाड़ियां लगी हैं परचेज़ कर लेते हैं, तो अकेले अकेले पार्ट्स को उनको फिर सेल किया जाता है। तो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के अलावा जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं ये भी कर रहे होते हैं, इसी तरह जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ डैमेजेस गाड़ियाँ होती हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, उसको रेडी करके सेल करते हैं, या कोई ऐसी परचेज़ करना चाहता है वो भी कर सकता है इनसे। तो ये भी इनका अच्छा खासा ये बिज़नेस है, जो यहाँ से गाड़ियाँ तैयार करवा के जो डैमेजेस गाड़ियाँ होती हैं मुनासिब प्राइस में मिल जाती हैं, नए मॉडल 2023-24 मॉडल जो हैं वो मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं, फिर ये रेडी शेडी करके उनको सेल आउट करते हैं। हमारी गाड़ी किया के उस दिन टायर के ऊपर वाली जो शीट थी वो ख़राब हो गई थी, हम वो फाइंड कर रहे हैं, एक दो से रेट लिए हैं, अभी चेक कर रहे हैं। आपको अपनी मुतलका चीज़ के लिए ज़रा चल फिर के रेट लेने पड़ते हैं, जो मुनासिब हो फिर आप इधर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हर एक एक अपने रेट है, साथ साथ उन्होंने साइन लगाए हुए हैं किस गाड़ी के कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं, इसी तरह हर वर्कशॉप के आगे ये बोर्ड लगे होते हैं निसान के लेक्सिस के, जो जो से स्पेयर पार्ट आपको चाहिए तो उन्होंने इधर बोर्ड नुमाया किए होते हैं ऐसे, ये जैसे कैमरी का लगा हुआ है ऊपर। अभी हमें सिर्फ ये सिल्वर चाहिए ये वाला, तो लेकिन हमें ये पूरा पार्ट्स लेना पड़ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, इसकी पूरी प्राइस पे करनी पड़नी है हमें। 150 मांग रहा था, हमने 100 दिरहम लगाया लेकिन मान गया, अभी ले लिया हमने ये परचेज कर लिया। इसके जैसे वो क्लिप होते हैं वो भी लाने पड़ने हैं कि अटैच होते हैं आपके पास? ये चाइना की फिट हो जाती है वैसे सही तरह जैसे पहली थी? जानिए हो जाती होती है ना, होती है लेकिन क्लियर नहीं थी इतना, वो सेम नहीं होता जो ओरिजिनल ओरिजिनल ही है। सही है। ये लगता अभी फिट नहीं हो रहा, और भी काफी डैमेजेस हुए हैं उस दिन, वो छोटी सी बन्नी सी थी वो हमें नजर नहीं आई, उसने सारी शीट इंजन शीट ये टायर की शीट ये सारी उखेड़ दी पकड़ के। तो भाई मंजर पे आए, यहाँ पे कॉर्निश व्यू आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। उस दूसरी साइड पे शारजा और जिस साइड पे हम खड़े हैं यहाँ ये दुबई है, ये कॉर्निश व्यू है। लोग आते हैं वॉक करते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, कुछ चाइनीज़ फूड का भी रेस्टोरेंट है इधर, हम देखते हैं चाइनीज़ ट्राई करते हैं या कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं।
दूसरी साइड पे शारजा, राइट, दूसरी साइड पे शारजा। ये सारा कॉर्निश इसी तरह, यही जो मैंने बात बताया था, समुंदर के पानी को इसी तरह लेके आए हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लोग आते हैं, वॉक करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और यहाँ पे कुछ बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं। अच्छा गैदरिंग पॉइंट है ये। ये टी कैफ़े बनाया है इन्होंने इसी तरह, थोड़े थोड़े प्लेस छोड़ के इन्होंने सारा कॉर्निश, ये पूरा घूम रहा होता है, थोड़े थोड़े फासले पे इन्होंने इसी तरह के टी कैफ़े बनाए हैं। वो सामने वॉकिंग ट्रैक भी है और साइकिलिंग ट्रैक भी बना हुआ है। यमी यमी केक भी दिखाते हैं आपको। सुनने में आ रहा है कि ये मंजर एरिया के सीधे आगे जाके एक मरियम आइलैंड बन रहा है, और उसकी अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई, और उधर मेट्रो भी आएगी, मेट्रो अभी इधर तक नहीं आई। मेट्रो इधर आ जाती है, सारी फैसिलिटीज़ आती हैं, तो उस एरिए का रेट और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। I'm a proud boy.